तो इस वीडियो में मैं आपको दिखा रही हूँ कि मैं अपने बच्चे को डॉक्टर के पास लेके जा रही हूँ और उसके बाद क्या उन्होंने मुझे प्रेस्क्राइब किया, यही बात आप इस वीडियो में जान सकेंगे। क्योंकि आप लोग बहुत ज़्यादा सोच रहे थे कि मेरे बच्चे को क्या हुआ है, अभी कैसे ही है। तो ये देखिए, मैं डॉक्टर के पास उसे लेके गई हूँ। वहाँ पे सारे बच्चे को, किसी ना किसी को फीवर, किसी को कॉमन कोल्ड, ऐसे ही है। कोविड के नियम की वजह से सबको ही बाहर रुकने के लिए उन्होंने कहा है, एक एक को ही अंदर जाने के लिए उन्होंने परमिशन दिया था। तो मैं अपने बच्चे को उस भीड़ में नहीं रखी थी, इसलिए थोड़ा सा दूर में रखी थी। डॉक्टर को दिखाने के बाद थोड़ा सा मोबिलाइजेशन उन्होंने फिर से कंटिन्यू रखने के लिए कहा 7 डेज़ के लिए, और मेडिसिन भी उन्होंने 3 बार मुझे कहा है, जो कि देना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रहा है उसे, क्योंकि वो मेडिसिन लेना नहीं चाहती है। और नेबुलाइजेशन तो वो बहुत ज़्यादा रोती है। यहाँ पे किसी तरह उसको मैंने टीवी दिखा के थोड़ा सा बिठा के रखा है, वो भी 5 मिनट्स के लिए भी वो नहीं बैठती है, क्योंकि वो थोड़ा लेने के लिए टाइम लगता है। अगर वो अच्छे से ले ले तो थोड़ा सा कॉफ जो है वो निकल आएगा, इसीलिए उन्होंने नेबुलाइजेशन मुझे दिया है, प्रेस्क्राइब किया है उसके लिए। और उसको एंटीबायोटिक कुछ भी नहीं दिया है, क्योंकि उन्होंने कहा अगर नेबुलाइजर है घर में तो वही आप कंटिन्यू रखिए फॉर 7 डेज़, जो कि देना बहुत प्रॉब्लमेटिक हो रहा है, क्योंकि एवरी 2 आवर के बाद छोड़ छोड़ के उसको देने के लिए मुझे कहा गया है, और एक नाइट में और एक डे में वो दूसरा वाला है। और अगर आप लोग जानना चाहते हैं कि कौन से मेडिसिन्स ये सब के लिए दिया जा रहा है विद प्रॉपर डॉक्टर मेडिकेशंस प्रेस्क्राइब, तो मैं आपको दूसरे वीडियो में इसके बारे में पूरा फुल बताने वाली हूँ, अगर आप लोग मुझे कमेंट में बताएंगे तो। तो चलिए आगे देखते हैं क्या होता है। सो जैसे कि आपने देखा कि मैंने अभी अपनी बेटी को नेबुलाइजर दिया, तो डॉक्टर ने भी और 7 डेज़ को एक्सटेंड करने के लिए कहा है उसका नेबुलाइजर। एक्चुअली वो लेना नहीं चाहती है, बहुत ज़्यादा तकलीफ उसको लगता है वो सब मुंह में लगाने से, उसको पता नहीं उसको क्या प्रॉब्लम होती है, पर वो देना नहीं दे लगाना चाहती है। मेडिसिन तो बिल्कुल भी खाना नहीं चाहती है, और बहुत ज़्यादा इतना ज़्यादा रोने के कारण उसका अपना नाक और ज़्यादा ब्लॉक हो जाता है, और जो कि बहुत ज़्यादा पेनफुल है उसके लिए भी और हमारे लिए भी। हम भी क्या करेंगे उस वक्त पता ही नहीं चलता है, हमको कुछ सूझ ही नहीं आती है, मतलब सूझबूझ हमारा गायब हो जाता है कि क्या करें उसको, कैसे संभालें। एक एक दिन तो रो रो के इतना रोती है, मतलब वो खाना स्किप कर देती है एकदम, बिल्कुल एक भी दाना उसके पेट में नहीं रहता। जैसे आज ही दोपहर की बात है, उसने बिल्कुल भी कुछ नहीं खाना खाया, इतना रोई उसको कोई संभालने ही नहीं पा रहे थे, तो रो रो के इतना थक गई कि वो सो ही गई। तो और कुछ करने का है भी नहीं, सो गई जब, तो उसको हमने सुला दिया। और ऐसे शाम पे उठ के थोड़ा सा खाना खिलाने की कोशिश की, तब भी बिल्कुल भी खा नहीं रही थी। बहुत ही प्रॉब्लम से गुजरना पड़ रहा है, क्योंकि बच्चों का तबीयत खराब हो जाना, मतलब उसके साथ साथ जो उसका जो दवाई पिलाते हैं, उसको डॉक्टर के पास ले जाते हैं, उनका ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाता है, बिकॉज बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम होता है। जैसे कि आप देख सकते हैं, ये वीडियो मैं आपके साथ इसीलिए शेयर कर रही हूँ ताकि आपको भी पता लगे कि अगर आप चाहेंगे तो मैं मेडिसिन भी आपके साथ शेयर कर दूँगी कि कुछ मेडिसिन क्या क्या मेडिसिन है जो आपके पास रखना चाहिए अपने बच्चों के लिए। जैसे कि मेरे घर में कुछ नेसेसरी मेडिसिन होते ही हैं, मैं उसको रखती हूँ, कुछ हो या ना हो मैं उसको रख लेती हूँ, और कहीं भी अगर मैं जाती हूँ तो भी मैं उसको अपने साथ लेके जाती हूँ, तो अचानक अगर मेडिसिन स्टोर पास में ना हो या फिर रात में ज़रूरत पड़ जाए तो मैं उसको दे सकूँ, इसीलिए मैं वो मेडिसिन अपने साथ रखती हूँ। मैं कुछ ट्राई करूँगी दूसरे वीडियो में वो मेडिसिन भी कुछ आपको बता दूँ कि आप ये सब मेडिसिन अगर आपके बच्चा इतने से इतने साल के अंदर का है तो वो मेडिसिन आपके पास रखना चाहिए, बिकॉज मैं जो मेडिसिन उसको देती हूँ वो पूरा फुल्ली डॉक्टर कंसल्ट होते हैं, सिर्फ उसका डोज आपको पूछ लेना है कितना डोज देना है, या फिर आप खुद अगर मेज़र कर सकते हैं कि हाँ आपका बच्चा इतने साल का है। वैसे साल मैटर नहीं करता है, मैटर करता है उसका वेट। तो मैं आपको दूसरे वीडियो में पूरा क्लियरली जिसको बताने की कोशिश करूँगी अगर आप लोग चाहेंगे तो रिलीफ नहीं लग रहा है मुझे, मतलब बहुत स्ट्रेसफुल जा रहा है जो है। ऑलरेडी 5 डेज क्रॉस हो चुका है, तो डॉक्टर के पास आज गई थी तो उन्होंने डॉक्टर से कंसल्ट करके ही मैंने मेडिसिन सारा दिया था उसको, पर अभी आ जाके जब 5 डेज हो गया है फिर भी वो कॉफ नहीं ठीक हो रहा है, थोड़ा थोड़ा सा खांसी भी हो रहा है उसको। तो मैंने क्या किया, मैंने और देर ना करके मैंने कहा एक बार चेकअप करा ही देते हैं, ऐसे डॉक्टर तो वही मेडिसिन देगी, मुझे पता है वही मेडिसिन उन्होंने दिया, सिर्फ एक्सटेंड करवा दिए और ज़्यादा। आपको शायद मेरा फेस बहुत ज़्यादा वेट लग रहा होगा, बिकॉज प्लीज़ इग्नोर कीजिए, मैंने
बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लग रहा है एक्चुअली, मैं क्या करूँगी कुछ पता ही नहीं चल रही। बच्चा मेरा खाना खाना छोड़ दिया, मतलब खेलना कूदना छोड़, फिर रोए जा रही है, उसको बोल तो नहीं सकती क्या प्रॉब्लम हो रहा है उसको, इसलिए वो बस रो ही जा रही है। तो बहुत ज़्यादा तकलीफ उसको भी हो रहा है, हमको भी हो रहा है। ओके, तो अगर आप लोगों को ये वीडियो में थोड़ा सा भी कुछ जानकारी लगा कि हाँ आप लोगों को कुछ थोड़ा सा जानकारी लगा है, या फिर कुछ रिलेट कर पा रहे हैं मेरे साथ, जो मम्मी हैं अगर मेरे साथ रिलेट कर पा रहे हैं, तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर सकते हैं आप अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ। और थोड़ा सा प्रे कर लीजिए मेरे बेटी के लिए कि वो जल्दी से ठीक हो जाए और बीमार इतना जल्दी ना पड़े। अगर आपके पास कुछ सजेशंस हैं मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए कि क्या करने से कॉफ या फिर ज़्यादा मतलब बहुत जल्दी बीमार ना हो बच्चे। जैसे कि इम्यूनिटी पावर तो बूस्टर्स ऐसे कुछ होते नहीं है 2-2.5 साल बच्चों के लिए, मुझे जितना पता है। अगर आप लोगों को है पता उसके बारे में तो मुझे थोड़ा कमेंट बॉक्स में बताइए, तो मुझे भी कुछ नॉलेज मिल जाएगा। ऐसा नहीं कि मैं वीडियो बना रही हूँ मुझे ही सारा नॉलेज है और आप लोगों को नहीं है, ऐसा नहीं है। आप लोगों को भी होता है नॉलेज पर हमारे पास आके पहुँचता नहीं। अगर आप कमेंट बॉक्स में वो आप बताएंगे तो वो ज़्यादा आके पहुँचेगा हमारे पास। तो थोड़ा सा वो हेल्प करना अगर चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में लिख लीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि अगर उन लोगों को कुछ पता है तो वो भी कमेंट बॉक्स में मेरे छोड़ सकते हैं। जैसे कि इंस्टाग्राम में मैंने अपनी बेटी के बारे में छोड़ा था तो बहुत सारे लोगों ने उसके लिए वेल विशेस किया है। अगर आप लोगों में से कोई भी इंस्टाग्राम से यहाँ पर आए हैं तो थैंक यू सो मच, आप लोगों ने बहुत वेल विश किया है उसके लिए कि जल्दी से ठीक हो जाओ बेटी, कुछ नहीं होगा, गॉड ब्लेस यू, वो बहुत अच्छा लगता है। थैंक यू सो मच उन लोगों के लिए जिन्होंने वेल विश किया था। और रिकवर तो थोड़ा सा हुई है लेकिन पूरी तरह से नहीं हुई है, इसलिए खाना बिल्कुल छोड़ दे रही है। और एक चीज़ वो कर रही है, वो एक क्या ना, वो अपनी जो दोनों टीथ्स है ना वो रगड़ती है। तो उन डॉक्टर्स को मैंने पूछा कि क्या ये जो होता ना ओम्स होता ना पेट के ओम्स, तो क्या उसके लिए करते हैं? तो उन्होंने कहा नहीं, उसके लिए नहीं करते। पर और जो सुन रहे हैं उन लोगों तो बता रहे कि हाँ ओम्स पेट में रहने से ही ऐसा होता है, तो वो मुझे थोड़ा कंफ्यूजिंग लग रहा है एक्चुअली। पता नहीं, आजकल के डॉक्टर को भी मैं पूरी तरह से भरोसा नहीं कर पाती हूँ। एनीवे, जितना था मैंने आपके साथ शेयर कर दिया। वीडियो में शायद आपने सारा कुछ देख लिया होगा, तो आगे क्या क्या होता है मैं वो भी शेयर करूँगी आप लोगों के साथ, क्योंकि अच्छा बुरा सब कुछ आप लोगों को शेयर करना ही बनता है। मिलती हूँ मैं दूसरे वीडियो में बहुत जल्दी आप लोगों के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।